भी बाकी है लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया फौज में जाना चाहते थे उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया फौज में जाना चाहते थे उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया फौज में जाना चाहते थे उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया फौज में जाना चाहते थे उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया फौज में जाना चाहते थे उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए।